अपन तो चीनी पहलवान से बच गए मियाँ। चीनी पहलवान से तो बच के निकल गए, अब जाए तो जाए कहाँ। अरे इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब आप, अरे हम लोग कुछ भी नहीं करे इंस्पेक्टर साहब। वो चीनी पहलवान, चीनी पहलवान से अपना कोई लेना देना नहीं है। चीनी पहलवान वो कौन? आप दोनों को जो है ठाकुर साहब ने बुलाया है। ठाकुर? ठाकुर साहब? हाँ हाँ। कौन से ठाकुर साहब? अरे वही ठाकुर, अपने ट्रैक्टर वाले ठाकुर। हाँ। ट्रैक्टर वाले ठाकुर साहब, ठीक है ठीक है। ठाकुर के पास बाजरा बहुत है, वहाँ जाके हाथ साफ कर देंगे, क्या बोलता? उसका माल साफ करके निकल जाएंगे। चलो चलो। चलिए चलिए इंस्पेक्टर साहब, चलिए। चीनी पहलवान से बचने का मौका अच्छा है। नमस्कार ठाकुर साहब। क्या ठाकुर साहब, आप किसको जेल छोड़ने आए? अब मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ, सिर्फ ठाकुर बलराम हूँ। लोगों को दम करने का शौक छूट गया क्या ठाकुर साहब? अगर तुम्हारे पित्ते में इतना दम है तो एक काम करोगे मेरे लिए? हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते ठाकुर साहब। कितने चाहिए? काम क्या है? अगर बहादुर हो तो काम क्यों पूछते हो? दाम जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूं। आरमगढ़ आकर मेरा पता पूछ लेना, कोई भी मेरा पता बता देंगे। क्या बोलता? वही निकाल अपना पुराना। ये तरबूज, ये खरबूज, ये खरबूज, खरबूज यानी ठाकुर साहब, तरबूज कैंसल। ठाकुर, ठाकुर तरबूज, चल। अरे अरे हटो, अरे हटो, अरे हटो, यहाँ क्या दबा दे रहे? अब आधा मार मार के बदबू कर दे गाड़ी में पूरी। इतने गंदे लोग हैं यार, एक साल दो साल से नए नए उन लोग। आरमगढ़ आ गया मियाँ। तूने कभी मिर्ची को मिर्ची तलते हुए देखा है? अरे बोल रहा क्या, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। चल चल देखते हैं। चल। हाँ बोलो, क्या लोगे? शक्ल से तो शहरी लौंडे लग रहे हो, या गांव में किससे मिलने आए हो? हम लोग ठाकुर साहब से मिलने आए। अच्छा, क्या तुम्हारे को ठाकुर साहब का पता मालूम है? लो कर लो बात। और इस गांव में कौन है जिसको मैं नहीं जानती, छोटा हो या बड़ा, गाय हो या कुत्ता? बातें तो बड़ी अच्छी कर लेती हो, तुम्हारा नाम क्या है? वैसे तो वनस्पति किसी को अपना नाम नहीं बताती। वनस्पति, तुम्हारा नाम क्या है? चुप है, जब देखो बकवास करते रहता। अब तुम लोग ठाकुर साहब के आदमी हो तो मैं अपना नाम बता देती हूँ, मेरा नाम वनस्पति है। कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। तुम लड़की होकर मिर्चियाँ क्यों तलती हो वनस्पति? तो क्या हुआ, और मर्दा भी तो औरतों के काम करते हैं, धोना पकाना धुलाना। और वैसे भी वनस्पति किसी मर्द से कम थोड़ी है। सही है। और वनस्पति की मिर्ची पूरे शहर में मशहूर है। अब कुछ खिलाओगी या सिर्फ खाली बातें ही करोगी? सूरज से तो काफी भूखे नजर आ रहे हो, बोलो क्या लोगे? अबा, इसकी जबान इतनी तेज है तो इसके मिर्चियाँ कितने तेज होंगे? मैं तो मिर्चियाँ खाऊंगा, और ये मिर्चियाँ ठंडे हैं, मेरे को गरम गरम मिर्चियाँ डाल के दो ना वनस्पति। ठीक है। अरे कढ़ाई में पसीना। अम्मा, मैं तो ठंडे मिर्चियाँ खा लेता हूँ, गरम मिर्चियाँ नहीं होना मेरे। मैं भी ठंडे खा लेता हूँ। तुम ना बहुत अच्छे हो, लेकिन ये लंबू है ना, थोड़ा शाना दिख रहा, इससे कह दो मेरे साथ डेढ़ होशियारी ना करे। कितने पैसे हुए वनस्पति? अरे नहीं नहीं रहने दो, तुम लोग ठाकुर साहब के आदमी हो, पैसे ना मैं अगली बार ले लूंगा। एक एहसान हम पे कर दो। वो क्या? ठाकुर साहब का पता बता दो। हाँ तो पता सुनो, जैसे आप दोनों यहाँ से स्ट्रेट जाना, जब आप स्ट्रेट जाओगे वहाँ पे एक चौरस्ता आता है, चौरस्ते के बाद आप राइट ले लो, जब आप राइट लोगे वहाँ पर एक कचरा कुंडी मिलेगी, ठीक है? जब आप राइट टर्न लोगे तो वहाँ पे बहुत ही गंदी बू आ रही होगी, मगर आपको बर्दाश्त नहीं होने वाली, तो एक काम करो, बस वहीं पर सामने आपको ठाकुर साहब का घर नजर आ जाएगा। वनस्पति,
अब हम चलते हैं। ठीक है ठीक है वनस्पति, अब मैं चलता हूँ। जाओ जाओ। अबे चल मिया, आप क्या आप तू भी मिर्चियां तलता? अरे वाह क्या लंबा रास्ता है मिया। हाँ सही बोला तू भी। ओफो पहाड़ों में आ गया इन भी। अरे की मिया सांस फूलना शुरू होगी। देखो ठाकुर को भी ये जगह मिली रही, इसके आसे जंगल में बसा आखिन। लगता है ठाकुर का घर यही है। सही बोल रहा तू, यही लगता है ठाकुर का घर, क्योंकि यहीं पे बदबू आ रही है। चल चल के देखते हैं। चल लॉक तो नहीं है? अरे खुल गया। ओफो जिधर देखो जाले ही जाले नजर आ रहे हैं हवेली में। ये तो शैतानी हवेली दिख रही मियां। क्या तो भी हो रहा है वहाँ, बहुत लोग जमा हो गए। लगता है ठाकुर उखड़ गया। आए हाँ चलो देखते हैं। चलो यहाँ तक तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई ठाकुर साहब। ठीक है रामलाल जी। ठाकुर साहब मैंने तुम लोगों को वादा किया था जब तुम लोग यहाँ आओगे तुम्हें 5,00,000 रुपए दूंगा। हाँ ठाकुर साहब। ये 50,000 एडवांस ले लो, फिलहाल ये 50,000 है और बाकी के 4,50,000 काम होने के बाद। रामलाल जी इन लोग थक गए हैं जी, इन्हें इनका रूम बताओ। ठीक है ये आराम कर लेंगे। ठीक है। वीरू इसमें पैसे है या फतरे है रे? पैसे है मेरे भाई। अरे चल फिर। अम्मा क्या वजन है रे, रख नीचे रख। अरे संभाल के, बाजरा है रे बाजरा। क्या वजन दिया रे ठाकुर भी। अरे 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 क्या कमरा है रे भाई, ना टीवी है ना फ्रिज है ना पंखा है, जेल से भी बदतर है कमरा ये। अबे क्या मच्छरा है रे भाई। अरे मच्छरा मच्छरा छोड़, जरा थैले में क्या है देख। अरे आए अरे ये क्या है रे चिल्लेर। लियो ठाकुर साहब तुम लोगों के वास्ते खाना भी जाए, सुरता पूरे सूख गए, खूब दबा के खाओ। अबे ओ चिल्लेर, चिल्लर विल्लर किसको बोल रहे जी? चार्ली है मेरा नाम, चार्ली। अरे हो हमारे चार्ली भाई, उससे मैं कई को आ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आखिर ये चिल्लर क्या है, क्या हमारे को फकीरा समझे और ये चंदे के फकीरों के जैसा हम लोग गिन लेते बैठने के वास्ते। ये चिल्लर गिन गिन के हमारी जिंदगी गुजर जाएंगी, मगर ये चिल्लर कभी खत्म नहीं होगा। चिल्लर गिनने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे 50,000 है। अबे खाना रख दिया, चल निकल यहाँ से, चल चिल्लर चार्ली की औलाद। वैसे भी मेरे को बैठने का शौक नहीं है, मेरे टीवी सीरियल का टेम हो रहा। टीवी सीरियल? कौन सा सीरियल देखते चार्ली साहब? हॉट मिडनाइट हॉट। आबा मिडनाइट हॉट देख रहा, ऐसा तड़क रहा, पोटे की हालत देखो। चल चल रे चल आउट। यहाँ कौन बैठ रहा, कल मैं गाँव को जा रहा हूँ। अरे जान दे रहे भाई इसको छोड़।